صلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. ये सूरतुल माईदा की आयत नंबर 15 है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अहलल किताब, ए अहले किताब। कुरान यहूदो नसारा को अहले किताब कहता है। इसका मतलब ये है कि ए वो लोगों जिन्हें किताब दी गई, तौरात दी गई। कद जाअकुम, अब तुम्हारे पास आ गया है रसूलुना, हमारा रसूल यानी अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया कि अब तुम्हारे पास ये आ गए मेरे आखिरी नबी। युबय्यिनु लकुम, जो अब तुम्हारे लिए खोल खोल के बयान करते हैं, कसीरा, बहुत सारी चीज़ें, मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब, जो तुम अल्लाह की किताब तौरात की छुपाया करते थे। देखो अल्लाह ने कितना खोल के बताया कि ए अहले किताब यहूदो नसारा, तुम मेरी किताब तौरात की चीज़ें छुपाया करते थे लोगों से, लोगों को नहीं बताते थे। तो अब मैंने अपना आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अंदर भेज दिया है। अब तुम्हारी छुपाई हुई चीज़ों को वो दुनिया के सामने खोल खोल कर बता रहा है। जो चीज़ें तुम छुपाते थे अल्लाह के बंदों से, वो ये मेरा आखिरी रसूल दुनिया के सामने खोल के बयान कर रहा है। इसमें कसीर का लफ्ज बड़ा तवज्जो तलब है कि कोई एक दो चीजें नहीं अल्लाह ने उनकी गनवाई, बल्कि कसीर, कसीर कहते हैं बहुत सारी चीजों, यानी इतनी चीजें वो अल्लाह की बंदों से छुपाते थे, इतनी चीजें अल्लाह के बंदों से छुपाते थे कि अल्लाह ताला ने कसीर का लफ्ज इस्तेमाल किया कि उनके जो मजहबी पेशवा थे यहूदो नसारा के, वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की किताब की चीजें पहुंचाते नहीं थे, छुपा लेते थे कि कहीं इनको पता चल गया तो ये ना हो जाए, इनको पता चल गया तो ये ना हो जाए। यानी अल्लाह की किताब की चीजें अल्लाह के बंदों से, आम बंदों से छुपा लेते थे इनके मजहबी पेशवा। तो अल्लाह ने कहा है कि अब देखो मैंने आखिरी भेजा है जो तुम्हारी छुपाई हुई चीजों को अब खोल खोल के बता रहे हैं। तो लिहाजा जो है अब तुम क्या करो, قَدْ جَعَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, فرمایا کہ اس نعمت کی قدر کرو اور میرا رسول جو اب ہر چیز تمہارے سامنے کھول کے بیان کر رہا ہے, اس کی قدر کرو اور اس پہ ایمان لے آؤ. اور ایک اور چیز اللہ نے بیان فرمائی, وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اب تمہیں جن کی ضرورت نہیں, وہ ان سے درگزر کر جاتا ہے, ان سے اعراض کر جاتا ہے. یعنی इतनी चीजें उनके मजहबी पेशवा अवाम से छुपाते थे, इतनी चीजें छुपाते थे कि अल्लाह ने कसीर का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि मेरा आखिरी पैगंबर अब आके बहुत सारी कसीर चीजें तुम्हारे मजहबी पेशवाओं की छुपाई हुई उनको अब खोल खोल के सबके सामने बता रहे, और बहुत सारी चीजें जिनकी अब तुमको जरूरत नहीं, जिनका वाजे करना जरूरी नहीं, उनसे ये इराज कर जाते. तो फरमाया अब कदर करो, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया है तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर, यानी कुरान मजीद. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को क्या कहा, नूर कहा. नूर का मतलब रोशनी, हदायत. ये कुरान मजीद का एक सिफाती नाम है कि इसको नूर कहा अल्लाह ने. वह किताब मुबीन, यानी किताब मुबीन, मुबीन कहते हैं खुली हुई, जिसकी कोई चीज पोशीदा ना हो. और यहाँ इस आयत के पस मंजर में मुबीन का लफ्ज बड़ा माना खेज है कि उनके मजहबी पेशवा यहूदो नसारा अल्लाह की किताब की चीजें छुपा लेते थे, अल्लाह के हुक्मों को छुपा लेते थे. तो अब अल्लाह ने जो आखिरी नबी, आखिरी किताब भेजी है, इसमें कोई चीज छुपी हुई नहीं है, ये तो रोशनी है और इसकी हर चीज खुली हुई. मुबीन, मुबीन का मतलब होता है जो चीज खुली हुई, साफ वाजे हो, जिसमें कोई चीज पोशीदा छुपी हुई ना. ऐसी किताब अल्लाह ने कुरान मजीद भेजी है, और अल्लाह का ये रसूल आखिरी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज छुपाते नहीं है, हर चीज अल्लाह के बंदों को बताते हैं. अल्लाह के
यादि बिहिल्लाहु मन तबा रिज़वान, और फरमाया कि अल्लाह ताला इस नूर के जरिए, इस किताब मुबीन के जरिए हदायत अता फरमाता है किन को, मन तबा रिज़वाना, जो इतबा करते हैं अल्लाह की रजा की। कि अल्लाह की हदायत ऐसी गिरी पड़ी चीज नहीं है कि अल्लाह ताला ऐसे ही ये लोगों पे चमटा दे, लोगों पे फेंक दे कि लो। ना कदरों को अल्लाह हदायत नहीं देता, जिनको इनकी कदर नहीं होती, जिनको इनकी परवाह नहीं होती, अल्लाह उनको हदायत नहीं देता। हदायत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला कदरदानों को देता है, जो इसकी कदर करते हैं, जिनको इनकी तलब होती है। मन तबा रिज़वान, जो खुद इस राह की पैरवी करते हैं कि हमने अल्लाह की रजा हासिल करनी है, हमने अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह के बंदों में अपना शुमार कराना है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, जो इस राह पे कदम उठाते हैं, चलते हैं, अल्लाह ताला उनको जो है हदायत फरमाता है, हदायत के दरवाजे अल्लाह उनके लिए खोलता है। और जो हदायत से मुंह मोड़ते हैं, जानते बूझते हुए कहते हैं कि नहीं हमने हदायत नहीं लेनी, हमने दुनिया इकट्ठी करनी, हमने बाकी जो है चीजें इकट्ठी करनी, बाकी मालूमता इकट्ठा करनी, तो अल्लाह उनको जबरदस्ती हदायत नहीं देता। ये अल्लाह का उसूल नहीं है, अल्लाह का कायदा कानून नहीं है। और अल्लाह हदायत किस चीज की देता है? सुबुल सलाम, सलामती की राहों की, सलामती के रस्तों की। कि अल्लाह की किताब मजीद जो रहनुमाई करती है, ये सलामती की राहों की रहनुमाई करती है, ऐसी चीजों की तरफ हमारी रहनुमाई करती है जिसमें हमारा दुनिया का भी फायदा, आखरत का भी फायदा। सलामती की राहें, फायदे की राहें, और जिन चीजों से अल्लाह ताला मना करता है उसमें हमारा दुनिया का भी नुकसान होता है और आखरत का भी नुकसान होता है। तो अल्लाह ताला इतने करीम, इतने रहीम, इतने शफीक हैं कि उसने जो भी हमें हुक्म दिया है हमारे फायदे के लिए दिया, जिस चीज से भी हमें रोका है उसमें हमारा दुनिया और आखरत दोनों का नुकसान, इसलिए अल्लाह ने रोका। وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, और फरमाया ये अहले किताब को ये याद रखना कि अल्लाह ताला ने खिताब अहले किताब से शुरू किया 15वीं आयत से, या अहलल किताब, अहले किताब कुरान कहता है यहूदी नसारा। अब उनको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, कि ये जो अल्लाह की किताब अब कुरान मजीद तुम्हारे पास आ गई है, अब इसकी कदर करो। तुम्हारी आसमानी किताब जो थी उसमें तो तुम्हारे मजहबी पेशों ने गड़बड़ कर दी, लफ्जी तहरीफ भी कर दी, मानवी तहरीफ भी कर दी, अब तुम्हारी किताब महफूज नहीं रही। अब अल्लाह ने महफूज किताब उतार दी, ऐसी महफूज किताब के जिसकी हिफाजत का जिम्मा उतारने वाले अल्लाह ताला ने खुद अपने जिम्मे लिया। तो फरमाया कि अब इसकी कदर करो, और ये जो हदायत है, ये नूर है, ये रोशनी है, किताब मुबीन है, और ये जुलुमात से, अंधेरों से निकालती है अपने मानने वालों को। युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमात, ज़ुलुमात से, अंधेरों से निकालती है ये किताब, कहाँ लेके जाती है? इला नूर, रोशनी की तरफ। कुरान मजीद का पिछली आयत मुबारक में अल्लाह ने नाम नूर फरमाया, और फरमाया ये इस किताब की खूबी है कि ये अंधेरों से लोगों को निकालती है और कहाँ लेके जाती है? नूर की तरफ, रोशनी की तरफ, बिइज़्निही। और ये अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ऐसा करती है कि अल्लाह के हुक्म इसके अंदर है, और वो नूर है, हदायत है, रोशनी है, अल्लाह के अहकाम। वयहदीहिम इला सिराति मुस्तकीम, और ये किताब किस राह की तरफ हदायत करती है? सिराति मुस्तकीम की तरफ। सिराति मुस्तकीम ऐसी राह है जो कामयाबी की राह है, जो हदायत की राह है। और पहली जो कौमें थी वो गुमराह इसी राह मुस्तकीम को छोड़ने की वजह से हुई। ये सिराति मुस्तकीम ये कहने को आसान है, लेकिन जब इसको बंदा अमल करता है फिर इसको पता चलता है बंदे को कि सिराते मुस्तकीम क्या चीज़ है। जुबान से बंदा आराम से कह देता है, लेकिन इस पे जब अमल किया जाता है तो ये मतलब जो है एक मुशक्कत वाला काम है, मेहनत वाला काम है, कि बंदे को बहुत सारी चीज़ें सिराते मुस्तकीम से हटाने के लिए रास्ते में आते हैं, ज़िंदगी में आती हैं, जो बंदे को सिराते मुस्तकीम से हटाने की कोशिश करती हैं। बहुत सारे लालच दुनिया के, बहुत सारे शैतान की तरफ से धोखे फरेब, बहुत सारे अपने नफ्स के फरेब इंसान के सामने आते हैं। तो फिर उस सूरत में इंसान सिराते मुस्तकीम का जब दामन पकड़ता है तो ये राह उसको अल्लाह से मिला देती है। सिराते मुस्तकीम पे जो इंसान चलता है वो अल्लाह के साथ जा मिलता है, अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की रजा पा लेता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। तो ये अल्लाह ताला ने यहूदो नसारा दोनों को मुखातब करके
इन दोनों आयतों में, 15वीं आयत में और 16वीं आयत में फरमाया कि अब कदर करो, तुम्हारे पास रोशनी आ गई है, तुम्हारे पास अल्लाह की किताब कुरान मजीद आ गई है, और इसकी वजाहत करने वाला अल्लाह का इतना प्यारा रसूल भी आ गया। इन दोनों चीजों की कदर करो और अपनी गुमराहियों को छोड़ दो और हदायत पे आ जाओ। ये दोनों आयतों में अल्लाह ताला ने अहले किताब को दावत दे के, तो अब जो है इनकी अल्लाह ताला ने हालत को बयान फरमाया कि अब यहूद का तो कल भी तذکرہ हो गया था, नसारा का भी कल कुछ तذکرہ हुआ था, तो आज अल्लाह ताला ने नसारा को ही दोबारा लिया। इनकी और जो शिरक थे, इनके और जो कुफर थे, अल्लाह ताला ने उनकी वजाहत की, फरमाया लकद कफर लदीना कालू इन अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, कि अल्लाह कहता है कि कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मसीह बिन मरियम ही अल्लाह है। यानी ईसाइयों ने क्या जुल्म किया, अल्लाह ने इनकी तरफ हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को भेजा था नबी बना के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये मसीह ही अल्लाह है। अल्लाह के नबी को इन्होंने क्या बना लिया, अल्लाह बना लिया, खुदा बना लिया। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फरमाया कि ऐसा करके इन्होंने कुफर किया। लकद कफर अल्लाह दीना कालू इन अल्लाह वल मसीह, जिन्होंने मसीह बिन मरियम को कहा कि ये अल्लाह है, फरमाया उन्होंने कुफर किया, शिर्क किया, कि अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा बनाना, अल्लाह बनाना शिर्क है, कुफर है। अब अल्लाह ताला ने इनका ये फर्द जुर्म बयान करने के बाद अब इसकी हकीकत बयान फरमाई कि अल्लाह के अलावा क्या कोई और खुदा हो सकता है। फरमाया कुल फमन यमलिकु मिन अल्लाहि शैया इन अराद अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्मा, कि जरा ये तो बताओ कि अगर अल्लाह ताला मसीह अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा को यानी मरियम अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाह हलाक कर दे, तबाह कर दे, तो कौन है जो अल्लाह को रोक सके। यानी फरमाया कि अल्लाह ताला इतनी कुदरत वाला है कि वो मसीह बिन मरियम को या उनकी वालदा को अगर अल्लाह ताला हलाक करना चाहे, कोई उनको अल्लाह ताला जो है मौत देना चाहे या उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, तो कोई रोक नहीं सकता। वमा फिल अर्द जमिया, और इसी तरह उनके अलावा भी जितने दुनिया के ऊपर लोग हैं उनको भी अगर अल्लाह ताला कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, हलाक करना चाहे, तो अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं है। यानी ये अल्लाह ताला ने हकीकत बयान फरमाई कि जो खुदाई का दावा है सिर्फ अल्लाह को सिर देता है, इसके अलावा हजरत मसीह हो या उनकी वालदा हो या दुनिया जहान में से और कोई भी हस्ती हो, उसको खुदाई का दावा जेब नहीं देता। वलिल्लाहि मुल्कु समावात वल अर्द वमा बैनहुमा, और आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की है, और जो कुछ आसमान और जमीन के दरमियान है अल्लाह की मलकियत है। यखलुकु मा यशा, वो अपनी मशीयत के मुताबिक तखलीक करता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। यानी अल्लाह ने फरमाया कि मसीह अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा ये भी मेरी मखलूक में से थी, अल्लाह ने इनको मखलूक बनाया था। तो जो इनके मानने वाले थे वो इनकी मोहब्बत के अंदर जो है गुल्फ करते हुए, मोहब्बत के अंदर ज्यादती करते हुए उन्होंने इनका दर्जा मखलूक से बढ़ा के, इनका दर्जा जो है अबदियत से बढ़ा के इन्होंने खुदाई के साथ मिला दिया। तो अल्लाह ने कहा कि इन्होंने कुफर किया ऐसा कर। तो आज ये हमारे लिए भी सबक है, आज जो है मुसलमानों के अंदर भी ऐसे लोग हैं कि जो नबियों का दर्जा जो है अबदियत से बढ़ा के, अल्लाह की मखलूक से बढ़ा के खुदाई के बराबर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो उनको सबक हासिल करना चाहिए कि ऐसा ना फरोश रखे। वकालत यहूद व नसारा नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, अब अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा दोनों को लिया। पिछली आयत में सिर्फ नसारा का जिक्र किया था और अब इस आयत में अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा दोनों का जिक्र किया। कहा कि ये दोनों ग्रोह कहते हैं नहनु अबनाउल्लाह, कि हम अल्लाह के बेटे हैं, व अहिब्बाहु, और उसके बड़े लाडले हैं। क्योंकि जो है इनको दावा था अल्लाह के नबियों की औलाद होने का, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे उनकी औलाद थे बनी इसराइल के, उनके बेटे आगे थे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे थे आगे यकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम।
फिर यकूब अलैहिस्सलाम के आगे जो 12 बेटे थे उनकी औलाद थे इबन इसराइल जिनको कहा गया। तो इनको एक बड़ा दावा था कि हम इतने बड़े बड़े अल्लाह के नबियों की औलाद हैं, तो हम अल्लाह के बेटे हैं, यानी हम अल्लाह के इतने बड़े नबियों के बेटे हैं तो हम गोया के अल्लाह के बेटे, वह अहिब्बाऊ और हम अल्लाह के चहेते। और क्योंकि यहूद ने भी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जो है उन्होंने भी अल्लाह का बेटा बना लिया था, तो अब उसी निस्बत से ये खुद अपने आप को भी अल्लाह के बेटे समझते थे, यहूदी भी और ईसाई भी, और अपने आप को बड़े लाडले चहेते अल्लाह के समझते थे। तो अब अल्लाह ताला ने इनके इस दावे को बयान करने के बाद इसकी हकीकत बताई, कुल फाली मा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, फरमाया कि अगर ऐसा ही है जैसे तुम कहते हो कि हम अल्लाह के बेटे और चहेते हैं, तो भला इस बात का जवाब दो, इस सवाल का जवाब दो कि फिर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों के सबब तुम्हें अजाब क्यों देता है, कि अगर तुम अल्लाह के बेटे और चहेते हो तो फिर तो तुम्हें अजाब नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से सजा मिलती है, अजाब मिलता है, तो ये इसी वजह से कि तुम अल्लाह के ना बेटे हो ना उसके चहेते हो, गो कि तुम अल्लाह के नबियों की औलाद में से हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ निस्बत काम नहीं आती, अल्लाह के यहाँ अमल काम आता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी हजरत सफिया को फरमाया था कि ऐ सफिया मेरी फूफी, नेक अमल करो कि ये तुम्हारे काम आएंगे, ये ना समझना कि मेरा जो भतीजा है ये अल्लाह का इतना बड़ा नबी है तो हमें बचा लेगा। इसी तरह आपने अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला को बताया, फरमाया कि ऐ मेरी बेटी नेक अमल करना, ये ना समझना कि मेरा बाप जो है इतना बड़ा अल्लाह का नबी है तो ये मुझे बचा लेगा, तो फरमाया नेक अमल करना वो तुम्हारे काम। तो अल्लाह के यहाँ अमल का मुकाम है, अमल की कदरों कीमत है और निस्बत की कदरों कीमत नहीं है अल्लाह के यहाँ। एक नबी का बेटा होके भी अगर नेक अमल नहीं करता तो अल्लाह ताला उसको भी अजाब में पकड़ लेता, उसको भी अल्लाह ताला सजा में पकड़ लेता है। आदम अलैहिस्सलाम का काबिल बेटा कुरान में अल्लाह ने वाक्य आगे जो है ना कुछ आयात के बाद उनका भी तذکرہ आ रहा है, हबील काबिल आदम अलैहिस्सलाम दोनों उनका भी तذکرہ आ रहा है, यानी वो नाफरमानी की तो वो भी अल्लाह की पकड़ में। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो जब अजाब आया उनकी कौम पे पानी का सैलाब का तो उनका बेटा भी गर्क हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की कि या अल्लाह ये मेरा बेटा है, तेरा वादा था कि मैं नूह तेरी औलाद को बचाऊंगा, तेरे अहल को बचाऊंगा, तो अल्लाह ने फरमाया या नूह इन्नहू लैसा मिन अहलिक, ये नाफरमानी करके तेरे अहल में से नहीं रहा। अल्लाह का इतना बड़ा उसूल है, तो अल्लाह ताला के उसूल बड़े बेलाग हैं। तो ये यहूदो नसारा बड़े दावे करते थे हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के चहेते हैं, लाडले हैं, प्यारे हैं, तो फरमाया ऐसा नहीं, अल्लाह के यहाँ कोई बेटा नहीं है अल्लाह का, कोई अल्लाह का लाडला और चहेता नहीं है, अल्लाह के यहाँ अमल चलता है, और इसी वजह से जब तुम बुरे अमल करते हो तो वो तुम्हें पकड़ता है, तुम्हें सजा देता है, अगर तुम अल्लाह के बेटे और चहेते होते तो फिर वो तुम्हें सजा ना देता, तुम्हें अजाब ना देता। बल आम तुम बशर, बल्कि फरमाया कि तुम्हारी हसीयत बशर की है, तुम आम बशर हो, मिम्मन खलक, जो अल्लाह ने पैदा किया हुआ, जैसे अल्लाह ने बाकी बशर पैदा किए हुए इसी तरह तुम भी अल्लाह के आम बशर हो, अपने आप को बेटे और चहेते ना अल्लाह के समझो। यग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, और मग़फ़रत के और अजाब देने के अल्लाह के ज़ाब्ते हैं, अल्लाह की मशीयत है, जिसके मुताबिक अल्लाह बख्शिश करता है, अपने ज़ाब्तों के मुताबिक अल्लाह ताला अजाब देता है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ध, आसमान जमीन की हर चीज का मालिक अल्लाह है, मा बैना हुमा, और जो कुछ आसमान जमीन के दरमियान है उसका मालिक अल्लाह है, वाहिद अल्लाह तन्हा मालिक है, व इलैहिल मसीर, और सारे के सारे लोगों को बंदों को अल्लाह की तरफ ही लौट के जाना। या अहलल किताब, ए अहले किताब, वही यहूदो नसारा को अल्लाह ने खिताब फरमाया, कद जाअकुम रसूलुना, आ गया है तुम्हारे पास हमारा रसूल यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युबय्यिनु लकुम, जो कि अब तुम्हारे लिए खोल खोल के सारी चीजें बयान कर रहा है, अला फतरत मिन रुसुल, रसूलों की फतरत के बाद, यानी एक इतना अरसा गुजरा है जिसमें अल्लाह ने कोई रसूल नहीं भेजा था, यानी उसको जमाना फतरत कहा जाता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये कोई तकरीबन 6 साल का अरसा बनता है, 600 साल का, सॉरी 6 सदियों का अरसा है। इन 6 सदियों के अंदर अल्लाह ताला ने कोई और रसूल नहीं भेजा था, तो फरमाया कि
कि अब इतने बड़े अरसे के बाद हमने रसूलों का सिलसिला मुनकता होने के बाद अपने रसूल को भेजा है, तो तुम इसकी कदर करो और जो है इसलिए भेजा है ताकि तुम्हारे ऊपर हुज्जत पूरी हो जाए। तकूलु मा जाना मिन बशीर वाला नदीर, और तुम ये ना कहने लगो कि अल्लाह ने कोई खुशखबरी देने वाला कोई डराने वाला रसूल नहीं हमारे पास भेजा। फकद जाकुम बशीर व नदीर, फरमाया कि अब तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आ गया है, तो अब इसकी कदर करो और इस पे ईमान लाओ और जो है इनकी दावत को कबूल करो। वल्लाहु अला कुल्ली शय कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, अल्लाह ताला कादर है हर चीज पर। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।